दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस घंटे के बटन को जरूर दबाना। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको कुछ नया दिखाने की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गूगल अर्थ के 5 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिनको यदि आप अपने मोबाइल में देखोगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आने वाला है। तो इनको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैप में जाना है और मैप में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर से 3 डॉट से ऑप्शन निकालने हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको गूगल अर्थ का। तो यहाँ से आप गूगल अर्थ पर आएंगे और ये कहेगा आपको डाउनलोड करने के लिए, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद वापस से आप यहाँ पर आकर जो है टच करेंगे या फिर इसको ओपन कर लेंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका गूगल अर्थ। अब दोस्तों ये बड़े ही कमाल की चीज़ है यदि आप लोगों को पता होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको 5 कोऑर्डिनेट बताऊंगा। पहला कोऑर्डिनेट ये है, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिख दूंगा। ये कुछ नंबर है जिनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यदि आप इसको यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च बार में तो यहाँ पर आपको गूगल अर्थ एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगा, आप देख सकते हो ऐसी जगह पर लेकर जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यदि अब आप इसको जूम करेंगे, चलिए मैं जूम इसको कर देता हूँ। तो इसको जूम करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऐसी आकृति नज़र आएगी डरावनी, जिसको देखकर आपको अलग ही फीलिंग आएगी। और ये किस तरह से कैप्चर हुआ गूगल अर्थ के अंदर, ये भी एक जो है सोचने वाली बात है। और जिसने ये डाला इसके अंदर उसने भी काफ़ी अच्छा माइंड जो है लगाया है। तो काफ़ी डरावनी आकृति है, आप इसको देख सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा गूगल का एक सीक्रेट है या फिर बोले तो एस्टर एग है, जो कि एक अलग ही अमेजिंग जो है फीलिंग हमको देता है। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा सीक्रेट है उसके बारे में भी ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको दूसरा कोऑर्डिनेट डालना होगा आकर सर्च बार में। मैंने ये सभी कोऑर्डिनेट नीचे की साइड लिखे हुए हैं, काफ़ी लंबे हैं इसलिए बता नहीं सकता बोलकर। तो जब आप इसको सर्च करेंगे आपको ये एक ऐसे जंगल में लेकर जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा जंगल होगा, इस जंगल की एक अलग ही खास बात है। इस जगह को हॉर्स मैन के नाम से भी जाना जाता है गूगल अर्थ के अंदर। अब दोस्तों आप इसको विजिट करेंगे स्ट्रीट व्यू में। स्ट्रीट व्यू में विजिट करने के लिए यहाँ पर एक आदमी का लोगो सा बना रहता है, उस पर टच कर देंगे और ये गूगल अर्थ ऑटोमेटिक आपको स्ट्रीट व्यू में लेकर चला जाएगा उसी जगह पर। ओके, और इसके बाद यहाँ की खास बात यह है, यदि आप सामने की साइड जाओगे यानी कि चलोगे टच करके तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और पीछे की साइड जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर एक आदमी दिखाई देगा। यदि आप इसके पीछे जाकर आगे आ जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा अपने आप ही। और दोस्तों इसकी खास बात यह है, ये कभी कभी आधा घोड़ा और आधा इंसान बन जाता है और हमेशा दौड़ने वाली कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको हॉर्स मैन के नाम से जाना जाता है जगह को। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, बोलते कि कभी कभी अपने दोस्त के साथ भी यहाँ पर जो है दिखाई देता है गूगल मैप अर्थ के अंदर। तो इसकी अलग अलग तरह की इमेज कैप्चर होती रहती है गूगल अर्थ के अंदर, ये भी एक अमेजिंग कोऑर्डिनेट है, आप इसको चेक कर सकते हो अपने जो है मोबाइल में। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और अपने आप में एक जो है सीक्रेट है। ये कोऑर्डिनेट है इसका, इसको भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर आकर सर्च करेंगे। अब यहाँ पर गूगल अर्थ आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चला जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी। ओके, अब दोस्तों जो ये जो बिल्डिंग है इसका जो आकार है, किस तरह की आकृति है वो आप खुद ही देख सकते हो। जो ओम रहता है ना, ओम की आकृति के अनुसार ये बनी हुई है। अब यदि आप इसको 3D व्यू करोगे तो इसका एक अलग ही अमेजिंग लुक दिखाई देगा आपको, जिसको आप देख सकते हो। तो ये भी अपने आप में एक जो है सीक्रेट है, सीक्रेट कोऑर्डिनेट है, सीक्रेट जगह है, किस तरह से ये कैप्चर की गई है, कैसा दिमाग लगाया गया है। तो ये भी मतलब एक तरह का सीक्रेट ही है गूगल अर्थ के अंदर। तो इस कोऑर्डिनेट को भी आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल में आने के बाद। ओके दोस्तों, अब दोस्तों तो 4 नंबर का कोऑर्डिनेट है वो भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। ओके, यदि आप यहाँ पर सर्च बार में आकर ये वाला कोऑर्डिनेट टाइप करेंगे, ओके, तो इसको टाइप करने के बाद यहाँ पर गूगल अर्थ आपको एक ऐसे जंगल में लेकर जाएगा जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है यार। ओके, इस जंगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी स्ट्रीट व्यू में विजिट करना है। स्ट्रीट व्यू में विजिट करने के लिए यहाँ पर एक आदमी का लोगो बना रहता है जैसे मैंने आपको बताया, इस पर टच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी टच कर देंगे आप जंगल के ऊपर। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर टच कर देंगे ये ऑटोमेटिक आपको
स्ट्रीट व्यू में लेकर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको आकर आपको थोड़ा सा ढूंढना है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे एक मोनेस्टर डॉग यानी कि राक्षसी कुत्ता एक टांग पर खड़ा होकर पानी पी रहा है, तो ये भी काफ़ी विचित्र है यार। मतलब किस तरह से ये फोटो कैप्चर किया गया, किस तरह से डाला गया और किस तरह से गूगल अर्थ जो है इसको कैप्चर कर लेता है, ओके। तो आप इसको आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हो, ये भी अपने आप में एक सीक्रेट है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद जो फाइनल और पांचवा नंबर का कोऑर्डिनेट है, इसका एक लिंक है, वो मैंने डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पर आगे के साइड चलेंगे आकर, ओके, आपको आगे के साइड चलना है थोड़ा सा, ओके। और आगे के साइड चलने के बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर बराबर के साइड में आपको कुछ ढूंढना है। जैसे ही आप यहाँ पर बराबर के साइड में कुछ ढूंढेंगे तो आपको एक जो है आदमी दिखाई देगा, ये ब्लर किया हुआ है, आप देख सकते हो ब्लर करके रखा है, क्योंकि ये जो निर्वस्त्र यहाँ पर जो है रनिंग कर रहा था, यानी कि बिना कपड़े पहन कर ही ये जो है दौड़ रहा था। तो इसको किस तरह से गूगल अर्थ ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद इसको ब्लर भी कर दिया ताकि इसको कोई देख ना पाए, तो ये भी अपने आप में एक सीक्रेट है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ताकि आगे भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ सकूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।